उस्मा बुखारी की गुफ्तगू आपने सुन ली। दूसरी जानेब FIA भी आटे बहरान की तहकीकात कर रहा है। FIA हुकूमत के जेर असर चलने वाला इदारा है और हुकूमती वुजरा के ऊपर ही इल्जामात हैं कि उनकी जानिब से ये बहरान पैदा किया गया। क्या ये उनकी नाहली थी या दीदा दानिस्ता मामला थे, ये अदालत आलिया और FIA की तहकीकात के बाद सामने आ जाएगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली इकबाल मौजूद हैं, हुकूमत पंजाब को कवर करते हैं। उनसे जान लेते हैं कि हुकूमत पंजाब इस बहरान के ऊपर काबू पाने के लिए क्या इकदाम कर रही है। जी अली इकबाल, क्या इकदाम कर रही है बुजदार हुकूमत वसीम अकरम प्लस, इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, क्या बहरान के ऊपर काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल राय साहब, हुकूमत पंजाब आटे बहरान पर काबू पाने के लिए जो फौरी तौर पर इकदाम कर रहे हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ हाथ खबर दिखाई नहीं दे रहे, और जो आटा चक्कियां हैं या तंदूर मालकान हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, ना कि उनको सप्लाई दी जाए। जो चक्की मालकान है आज उन्होंने हड़ताल का फौरी तौर पर ऐलान किया है, उनका भी कहना है कि हमारी जो दुकानें हैं उस पर छापे मारे जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, जबकि हुकूमत कहती है कि आटा वाफर मकदार में मौजूद है, कि 41 लाख टन जो है वो आटा मौजूद है। अगर सवाल ये पैदा होता है कि इतना आटा मौजूद है तो मजीद 3 लाख टन जो है मजीद क्यों बाय से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हुकूमत सिर्फ अभी तक सिफल सदियों से काम ले रही है, लेकिन हुकूमती गुजरा ये कहने पर मजबूर है कि इसमें तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो हुकूमती की हुकूमत की आती है, क्योंकि इस तमाम तरीके को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया और इसका अंदाजा बेहतर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से सूरत हाल का हुकूमत को सामना करना पड़ा। जी तो अली इकबाल, अब उस्मान बुजार इस हवाले से कोई कंसर्न नजर आते हैं क्या? नजर आता है कि उनके अंदर कोई बेचैनी है, इस मामले को हल करना चाहते हैं या ठंड प्रोग्राम है? अजी उस्मान बुजार इस कदर जो है एक्टिव है कि इस वक्त हुकूमत में आज शदीद बुहरान है इस वक्त आटे का, लेकिन उस्मान बुजार जो है वो आज के हैं कोयटा में हेलीकॉप्टर का चक्कर लगाने, वहां पे सैर सपाटे करने, बर्फ वहां पे काफी हुई है, बर्फबारी उसको देखने एंजॉय करने के लिए गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब उनका ब्यूरोक्रेसी और चीफ सेक्रेटरी समेत उनकी कोई नहीं सुन रहा, काफी उन्होंने शिकवा भी कर लिया है और अब उन्होंने यही सोचा है कि इससे बेहतर है कि अपने अहदे को एंजॉय किया जाए, आवाम के साथ जो सलूक हो रहा है वो होने दिया जाए, शायद इसलिए उनके आवाम का एहसास नहीं कि वो खुद जाते हैं इसको मॉनिटर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली इकबाल। एक जाने बाटे का बहरान है, लोगों के लिए खाना खाना मुश्किल हो चुका है, दो वक्त की रोटी पहले मुश्किल थी, अब एक वक्त की रोटी मिलना भी पाकिस्तान के आवाम को मुश्किल हो रहा है। दूसरी जाने भूजरा आला सैर सपाटों के अंदर मसरूफ हैं। सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा बहरान वहीं पर नजर आता है, ये वहां की फसल नहीं है, दूसरे सूबों से भिजवाई जाती है। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो मतलूबा गंदम थी वो खरीदी थी? अगर खरीदी थी तो फिर वो गंदम कहां गई? जानते हैं अपने रिपोर्टर नवाब शेर से। जी नवाब शेर, क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में? जी बिल्कुल, पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जो आटे का बहरान है वो मुसलसल जारी है, और जो सूबाई हुकूमत है और जिले इंतजामिया है वो इस हवाले से इकदाम भी कर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जो आटे का जो बहरान है वो मुसलसल जारी है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से राबता भी किया था और वहां से कुछ गंदम की जो तरसील है वो शुरू भी हो चुकी है और कुछ आटे की तरसील भी जो है वो शुरू हो चुकी है, और पिशावर के मार्केटों में जो है वो पंजाब से आटा आ गया है, लेकिन इसके बावजूद जो आटे की कीमतें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस वक्त क्या रेट जा रहा है आटे का, किस तरह किलो बिक रहा है, चक्की वाले किस तरह आटा बेच रहे हैं और रोटी की क्या कीमत है? जी 20 किलो का जो वो तेला होता है वो आटे का वो 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है, और पहले इसकी कीमत जो थी वो 800 और 900 थी, अभी भी जो सरकारी रेट है इस 20 किलो तेले की तो वो 800 रुपए है, लेकिन वो मार्केट में जो है वो 1100 रुपए पर बिक रही है, तो आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 किलो के तेले में सिर्फ 300 रुपए का इजाफा हो गया है और वो भी बड़ी मुश्किल से अभी भी मिल रहा है। इस सिलसिले में जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है और जितने वजरा है वो इस सिलसिले में इकदाम भी कर रहे हैं, और इस सिलसिले में पिशावर के जिले इंतजामिया ने कल बहुत बहुत शुक्रिया, जो इकदाम कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इकदाम किए जा रहे होते तो ये बहरान कई दिनों पहले से सर उठा चुका है, इसको कुचला जा चुका होता और अवाम को सस्ते आटे की फराहमी मुमकिन हो सकती। सलमान जहूर साहब, आज लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी ये मामला गया, लाहौर हाईकोर्ट इस हवाले से क्या कर सकती है, क्या ये ज्यूरिसडिक्शन लाहौर हाईकोर्ट की बनती है? ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है, ठीक है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, पब्लिक इम्पोर्टेंस केस है, तो हाई कोर्ट के पास जो रिजेक्शन तो है इसको डील करने की, लेकिन अभी जब उन्होंने नोटिस किया है चीफ सेक्रेटरी को और गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को,
मेरे ख्याल में पहले इनका रिप्लाई आ जाए, क्योंकि जाहिर बात है कोई ना कोई तो वहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद हाई कोर्ट ने देखना है, क्योंकि मैटर सब जूडिस है तो इस पे ज़्यादा बात तो नहीं मैं करूँगा। बाकी ये है कि हाई कोर्ट देख तो सकती है जो आपका सवाल और फिर अगर ये कल्प्रेट साबित हो जाती है, हुकूमत यहाँ पर उसकी कोई गफलत नजर आती है या फिर उनकी बदनीति नजर आती है, और जैसा कि दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुबैना तौर के ऊपर माफिया मुलविस है, और अगर माफिया है तो वो हुकूमती एमा के बगैर ये काम नहीं कर सकता, तो क्या सजा सुना सकती है, क्या मुमकिन फैसला हो सकता है? लेकिन ऐसा जहाँ तक माफिया की बात है ना, मैं तो समझता हूँ कि 22 करोड़ अवाम में से ना अब तक 18 करोड़ हम सारे माफिया बन चुके हैं। हर कोई अपने अपने ज़ात के अंदर एक माफिया बन चुका हुआ है। हमारे जो आप देख लें मोरालिटीज़ एथिकल हम कितने रह गए हुए हैं, तो हम 18 करोड़ अवाम जौन से ना वो माफिया बन, 4 करोड़ वो हैं जो भी बिलो 5 ईयर्स हैं। तो अब बात यह है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ आती है और हाई कोर्ट में इनकी रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होती, तो हाई कोर्ट अपनी डायरेक्शंस पास कर सकता है। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल या जो भी इंक्वायरी का है, हाई कोर्ट इसमें डायरेक्शन दे सकता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो अभी इनकी रिप्लाईज आनी है, और जो ये बुरान बनाया जा बन गया हुआ है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे हुकूमत का है चाहे कहीं का भी है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे जो से अगर इनमें जो भी इन्वॉल्वमेंट है, तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन और बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें जो कि अवाम के एक देखें रोटी जिस तरह आप सब ये अभी जो पहले साहब थे उस्मा बुखारी साहब ने भी कहा, ये एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है, इससे हम कभी भी आंखें बंद नहीं कर सकते। तो इन फ्यूचर मुस्तकबिल में इन चीज़ों से बचने के लिए एक बाकायदा हिकमत अमली, एक बाकायदा लॉ मौजूद है। लेकिन मुसीबत वही है कि हम वो कौम बन चुके हैं जो लॉ तोड़ के खुश होते हैं या लॉ के अंदर के लूप होल ढूंढ के खुश होते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है, और ये तमाम जगहों पे मौजूद है, ये सिर्फ ये नहीं कि किसी एक तबके में, तमाम जगहों पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी हरकतें करके ये अपने बेनिफिट्स के लिए और आवाम को परेशान करके, क्योंकि ये आवाम तो पिछले 70 साल से पिस रही है। मैं तो अब यही कहूँगा जी, ये तो पिसने के लिए आई थी, पिस ही रही है। अवाम पिस रही है, FIA तहकीकात कर रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला आ चुका है। हुकूमत का दावा यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बहरान से जल्द अज जल्द निपटा जा सके, और बहरान से निपटा कैसे जा रहा है, उस्मा बुखारी और मुस्लिम लीग नून के अराकीन असेंबली के घर के बाहर आटे के ट्रक को उतार कर निपटा जा रहा है। कराची सिंध के अंदर सूरत हाल क्या है आटे के बहरान के हवाले से, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी नदीम शहजाद, सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है? आज मुर्तजा वहाब भी बहुत गरजे बरसे वफाकी हुकूमत के ऊपर, सिंध हुकूमत का किरदार इस हवाले से क्या है? जी, आटे का बुरान देखा जाए तो मसनूई किल्लत पैदा करके बुरान पैदा किया गया है, जिससे फौरी तौर पर 10 से 20 रुपए 10 पर केजी तक इजाफा कर दिया गया है। यही इस हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर सिंध हुकूमत वफाक पर डाल दिया, वफाक जो सिंध हुकूमत पर डालते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के उजर पेश किए जा रहे हैं, जो कि एक मिसमैनेजमेंट जो सामने आ रही है कि इनका ये कहना है, तो वजीर अला सिंध की जानब से ये कहना था कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से था, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट की हड़ताल तो एक दिन रही है, दीगर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जरूर रही है एक हफ्ते तक, लेकिन ये भी कोई इश्यू नहीं था। दूसरी जानब आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी एक मुलजम के साथ मुकालमा करते हुए बात कही कि कुछ शख्सियात की एमा पर गंदम चोरी करके बाजार में बेची गई, वो लोग इससे फायदा उठाते हैं, एक बाकायदा तौर पर उन अहम शख्सियात हैं उन मुलजमान के चेहरे सामने लाए, इनका पेट अब भी भरे के नहीं भरे, ये वो मुकालमे थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध ने जो कराची के अंदर भी किया एक मुलजम के साथ। और इस वक्त भी बुरहान जो है पैदा जरूर किया गया है, यूटिलिटी स्टोर बनाया गया जिसमें वजीर आजम की जानब से ऐलान किया गया था कि 2020 का पैकेज रिलीफ पैकेज दिया गया, वहां पर आवेजा जो कीमतें 40 रुपए पर केजी जरूर लिखी गई है, लेकिन आता ही नहीं है यूटिलिटी स्टोर में, और वहां पर जो हमारी बात हुई वहां आने वाले जो कस्टमर्स थे वो अदम एतमाद का शिकार है कि जो इसकी क्वालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद, आपका हुकूमत की जानिब से बड़ी आसानी के साथ ये कह दिया जाता है कि इतने अरब का पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स को दे दिया गया है, गरीब आवाम को फायदा होगा, लेकिन दूसरी जानिब जब गरीब आवाम को जरूरत पड़ती है, जब आम आदमी को जरूरत पड़ती है, तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ना आटा होता है, ना चीनी होती है, और ना ही घी होता है। अशिया जरूरियात की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, आम आदमी की जिंदगी अजीरन होती जा रही है। वो लोग जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, वो लोग जो ये कहते थे कि आवाम की जिंदगियों के अंदर सुख और चैन आ जाएगा, आज वो लोग खामोशी के साथ आवाम का तमाशा देख रहे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जुर्म की कहानियां कुछ और भी हमारे पास मौजूद हैं, और फिल्म जिंदगी तमाशा के हवाले से भी बात करेंगे, क्यों कर उसका रिव्यू किया गया और क्यों कर यह फिल्म इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात के लिए भिजवाई गई है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपको बताया था कि आने वाली फिल्म जिंदगी तमाशा बनी को सेंसर बोर्ड ने एक मरतबा रिव्यू किया और फिर उसके बाद कोई फैसला ना कर सके और ये फिल्म भिजवा दी गई है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को। आखिर इस फिल्म के अंदर मामला क्या है, मसला क्या है कि सेंसर बोर्ड इस मामले को हल नहीं कर पाया। हमारे साथ इस वक्त सीनियर फिल्म रिपोर्टर इशफाक हुसैन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि मामला क्या है। इशफाक हुसैन, क्या मामला है, क्यों कर ये फिल्म इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भिजवाई जा रही है? जी शाक, फिल्म दो दफा जब तीनों सेंसर बोर्ड से सेंसर हो जाती है उसे सेंसर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सेंसर बोर्ड एक बाख्तियार अदारा है जहाँ बड़े अच्छे और बड़े सीनियर और बड़े पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं, तो उसके बाद एक ग्रोह के कहने पे या चंद लोगों के एतराज पे इस फिल्म को कैसे रोका जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, जब लोगों ने या किसी ग्रोह ने या चंद हजरात ने ये फिल्म देखी ही नहीं तो क्या उन्हें कोई अलहाम हो गया कि इसके अंदर खुदा न खास्ता कोई मजहबी इख्तलाफ की बात की गई है या किसी फिरके के खिलाफ बात की गई है, तो कैसे ये हो गया? एक सोची समझी साजिश के साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को पीछे लाने के लिए कोशिश की जा रही है और चंद लोग जो हैं वो इख्तलाफ फैलाने की वजह से इंतजार फैला रहे हैं ताकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इमेज खराब किया जाए। इस वक्त आप काफी पुराने फिल्म रिपोर्टर हैं, आपकी माशाल्लाह काफी ज्यादा ग्रिप है, क्या आप नहीं समझते कि अगर फिल्म के अंदर कोई ऐसी मुतनाज़ा चीज नहीं है तो फिल्म की हाइप क्रिएट की जा रही है, उसको पब्लिसिटी देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? मैं आपके इस पॉइंट से खिलाफ ये करूंगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो आपको याद होगा कि आशिर अजीम ने एक फिल्म बनाई थी मालिक, जिसमें सिर्फ वजीर आला का नाम लिया गया था, वजीर आला को करप्ट दिखाया गया था, उस फिल्म को लगने नहीं दिया गया, उस फिल्म को रोक लिया गया था, इसी तरह उससे पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद हाल ही में शमून अब्बासी ने फिल्म बनाई थी दुर्ज, जिसमें कि वो बकर वाले वाकये का जिक्र किया था जिसमें मुर्दा लोगों का वो गोश्त खाते थे, उसमें क्या एतराज आ गया था? तो आप इस फिल्म को जब किसी ने देखा ही नहीं, बात होती कि आप पहले फिल्म देख लें, जब सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दी इसे रिलीज होने दें, रिलीज होने के बाद अगर आपको कोई एतराज है देन आप इसे जहां मर्जी ले जाएं, आप कोर्ट में ले जाएं, आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जाएं। जब आपने सेंसर बोर्ड बनाए हुए हैं तो फिर आपको आज से पहले किसी फिल्म को इस्लामी नजरियाती काउंसिल में क्यों नहीं ले जाया गया? इस वक्त मैं इस प्रोसेस को नहीं समझ सका। आपने ये कहा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है, तो फिर ये कौन पर्सनैलिटी है, कौन सा ऐसा इदारा है जिसने ये तमाम तर मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवा दिया? क्योंकि फाइनली तो सेंसर बोर्ड ही होता है, जब वो किसी फिल्म को ओके का सिग्नल दे देता है, सर्टिफिकेट जारी कर देता है, तो वो फिल्म रिलीज हो जाती है। राय साहब, यही हैरानी की और परेशानी की बात है कि कल जब पहले सेंसर बोर्ड पाबंदी के तीन फरवरी तक फिल्म रिलीज नहीं कर सकते आप, उसके बाद अचानक फेडरल का फैसला आता है, उसके बाद इन सेंसर बोर्ड का फैसला आता है, यानी कि इसका मतलब यह कि कोई इन तीनों को या चारों सेंसर बोर्ड को पीछे से कोई डोर हिला रहा है कि नहीं ऐसे करना, ये फिल्म नहीं लगनी चाहिए। और कल ही फिर नहीं, मेरा सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, जब ये क्या ये फैसला सेंसर बोर्ड का है कि फिल्म को इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाया जाए, या फिर सेंसर बोर्ड अपना फैसला दे चुका है और किसी नादीदा हाथ ने या किसी और बासर शख्सियत ने इस हवाले से फैसला किया है? फैसला किसका है कि ये फिल्म इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाई जाए? इस फिल्म के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था, तो उस इंतजार से बचने के लिए और सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत ने फौरी तौर पर काउंसिल में भेजने का फैसला किया ताकि जो फैसला करेगी उस वक्त तक उन्होंने मजहबी जमात के रहनुमाओं को भी रोका भी आप किसी तरह का। अच्छा इशफाक हुसैन, आपको इस फिल्म की कहानी के मुतालिक इल्म है, ये कहा जाता है कि इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया गया है, क्या इस हवाले से बात दुरुस्त है? जनाब अली, इख्तलाफ आप किसी भी बात से कर सकते हैं, अगर फिल्म मेकर ने कोई उसमें मुझे एतराज किसी भी मजहबी फिरके को एतराज है तो वो किसी भी तरीके से कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि फिल्म हमने ट्रेलर के अंदर देखी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे बिल्कुल खुलकर बात हुई है, उन लोगों ने पूरी तरह से यकीन दिलाया है कि इसमें मजहबी अकायद की किसी फिरके की किसी तरह की कोई मजाक नहीं उड़ाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक हुसैन आपका, आपने हमें तफसील के साथ आगाह किया और फिल्म प्रोड्यूसर का भी नुक्ता नजर आपने बताया कि इस फिल्म के अंदर इस्लामी शायर का मजाक नहीं उड़ाया गया। लेकिन दूसरी जानिब कुछ हल्के ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि फिल्म को पब्लिसिटी देने के लिए, हाइप बनाने के लिए ये तमाम तरह ड्रामा रचाया गया है, दर हकीकत फिल्म के अंदर ऐसी कोई बात मौजूद ही नहीं है। फिल्म रिलीज होगी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल फैसला करेगी, फिर ही मालूम हो सकेगा कि असल कहानी है क्या। लेकिन कानूनी हवाले से क्या कहता है,
क्या ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल की डोमेन है या फिर सेंसर बोर्ड ही इस मामले को टेकअप कर सकता था। सलमान जहूर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी रहनुमाई कीजिए। बोर्ड की जुरिस्डिक्शन है वो एक्सक्लूसिव है यहाँ पे। अब अगर तो तीन सेंसर बोर्ड ने इसको देख के इसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो वहाँ पे कोई अहमक तो नहीं बैठे हुए होंगे और वहाँ पे कोई इडियट्स तो नहीं बैठे हुए होंगे कि जो ये कर रहे हैं। अभी इन्होंने माजी के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल रही है सलमान। देखिए मैं एक बात हूँ आपको, एक चीज़ है, हम लोग किसी चीज़ के ओपन होने से क्यों डरते हैं? अगर कोई हमारे बीच की कोई खामी क्यों दिखा रहा है तो हमें उसको ठीक करना है कि हमें उस पर एहतजाज करना है कि हमारी खामी क्यों दिखाई गई? अगर ऐसी कोई बात है तो आप फिल्म को आने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ रिपोर्टर साहब से कि आने दें, आप देखें। अगर कोई ऐसी बात है, अगर किसी, मैं नहीं समझता कि किसी भी फिरके या किसी भी वो जो इस्लामी शायर, इस्लामी शायर के खिलाफ कोई ऐसी कोई चीज़ आई होगी इसमें, लेकिन बात यह है कि अगर कुछ बुराइयां हाईलाइट हो रही हैं किसी तरीके से, ये एक मीडियम है ना लोगों को समझाने का, लोगों को सिखाने का, ठीक है, फिल्म भी एक मीडियम है, तो अगर इसके अंदर कोई ऐसी बात है तो आप, आपके पास और भी बहुत से रास्ते हैं, आप इसके वहाँ उधर जाके एप्लीकेशन दें। लेकिन चले हुकूमत ने एक स्टेप लिया है कि जी बाद में जो होना है, आटे बुरहान पे तो पहले स्टेप नहीं लिया, हम फिर बुरहान पे ले लिया, फिर बुरहान पे ले लिया, तो कहीं आग लग सकती है, दंगा हो सकता है और दुश्मन हमसाया ममालिक पाकिस्तान के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि कहीं कोई छोटी सी गलती, खामी, कोताही हो और वो इस बात को बतंगड़ बना दें, शायद इसलिए भी ये मामला किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन अलामा शफीक पसरूड़ी मौजूद है, सीनियर सहाफी है, उनसे जान लेते हैं कि अब ये फिल्में देखेंगे और फिल्मों के ऊपर तबसरे भी करेंगे। शफीक पसरूड़ी साहब वेलकम टू द शो। शुक्रिया शुक्रिया राय साहब। पसरूड़ी साहब अब आप फिल्में भी देखेंगे और फिल्मों पर तबसरे भी करेंगे? बस क्या करें जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जिनको काम करना चाहिए वो सही तरह नहीं करते, तो एक जो काम है दूसरे के सपुर्द कर दी जाता है। बहरहाल जो भी है ड्यूटी वो तो सर अंजाम देंगे। मैं सुन रहा था बात पहले जो भाई बोल रहे थे, असल में पाकिस्तान के कानून के तहत पैमरा भी एक मौजूद है, सेंसर बोर्ड भी मौजूद है। अगर पैमरा और सेंसर बोर्ड अपने काम को सही तरह सरंजाम दें तो फिर मुश्किलात ना बढ़े और फितने फसाद भी पैदा ना हो। ये ठीक है कि हर एक को हक है कि बात करे, लेकिन इजहार राय की जो आजादी है उसकी भी कुछ हदूद मुकर्रर की जाती है और हर मुल्क के अंदर कानून ऐसे मौजूद होते हैं जो हदों को मुतय्यन करते हैं। ये जो फिल्म है मजकूरा फिल्म, इसके हवाले से पहले भी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास कई लोगों ने खतूत भेजे थे, लेकिन चूंकि हमारे दायरा कार में ये चीजें नहीं आती थी तो अब ये सूरत हालात ये हुई कि इस पे आवाजें उठना शुरू हो गई थी और हुकूमत ने ये कहा जी कि इसको हम भेजेंगे, तो जब भेजेंगे तो फिर देखेंगे। आज अपना 5 बजे के करीब जो है सेंसर बोर्ड की तरफ से लेटर मौसूल हुआ है। ये वो वक्त होता है जब दफातर बंद हो चुके होते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस है इस्लामी नजरियाती काउंसिल का कि जो चीज आई होती है पहले उसको जो रिसर्च काउंसिल है हमारे रिसर्च वाले वो देखते हैं परखते हैं, उसके बाद अगर ये जो है अरकाने काउंसिल उनका इजलास होता है वो फिर अपना उसके बाद अपना देखा जाता है। तो देखा तो ये जाएगा ना कि उसमें क्या थीम है, क्या बातें हैं, और अगर वाकईतन कोई ऐसी बात है, पहले तो सेंसर बोर्ड वालों की जिम्मेदारी है ना, सेंसर बोर्ड बना ही इसलिए है कि वो पसरूड़ी साहब जो लेटर आपको आया उस लेटर के अंदर कोई पैरामीटर्स दिए गए हैं, कुछ आपको बताया गया है कि किन इश्यूज के ऊपर आपने फोकस करना है या एक मजमूई फिल्म के हवाले से आपको डोमेन दी गई है? राय साहब ऐसा है कि पहले तो अपना जो फरदोस आशिक अवान साहब का जो ट्विटर पे मैसेज आया उसकी नकूल जो है ना हम तक पहुंच गई थी बतौर सहाफी के, हमें मालूम हो गया था। तो मैंने उसके बाद चेयरमैन साहब से रब्ता किया जनाबे डॉक्टर किबला याद साहब से, तो उस वक्त तक उनको नहीं मौसूल हुआ था। फिर मैंने सेक्रेटरी साहब से भी रब्ता किया, सेक्रेटरी साहब ने बाद में मुझे ये बताया कि जब दफातर बंद हुए उस वक्त आए तो मैंने चेयरमैन को वो लेटर पहुंचा दिया। अब देखे ना कि उसके ऊपर चूंकि अपना आया लेट है, उसके बाद अपना रिसर्च वाले देखेंगे फिर पता चलेगा कि उसमें है क्या चीजें। लेकिन बहरहाल अच्छा नजरियाती काउंसिल की डोमेन के अंदर ये मामला आता है या नहीं आता, लेकिन हुकूमत ने एक जिम्मेदारी आपको सौंपी है, आप एक आईनी इदारा है, यकीनन आप इसके ऊपर अपनी राय देंगे। फिल्म के अंदर तो म्यूजिक भी होगा, गाने भी होंगे, अब आप गाने भी सुनेंगे? देखे वो तो अपना देखना तो ये है ना कि जो जिम्मेदारी दी गई है असल में तो वो ये है ना कि जो निकात उठाए गए हैं कि इसमें मजहबी तबकात के बारे में बातें की गई हैं, महाफले नात जो हैं उनके लिए बुरा, जो सुना गया देखा नहीं गया वो तो बाद में चीजें आएंगी ना,
जो जो मुबैना तौर के ऊपर ये सारी चीजें जो बयान की गई हैं बताई गई हैं। जी जी हाँ जी, और ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मुल्क के अंदर इंतशार के फैलने और क्या कहते हैं आग और खून के खदशात हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे कि ऐसे तबकात को जो हमारे यहाँ मोहतरम करार दिए जाते हैं, मोहतरम समझे जाते हैं, उनके बारे में अगर नाजेबा जबान इस्तेमाल हुई है या गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या उनके बारे में तजहीक अमेज रवैया इख्तियार किया गया है या उनके बारे में गलत बयानी हुई है, वो जब चीजें सामने आएंगी तो फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा ना। पसरूनी साहब, मामला ये है कि आप इस्लाम की असास के पासदार हैं, आप एक आईनी अदारा हैं, अगर फिल्म के अंदर गाने होते हैं आप उसको पास कर देते हैं, कुछ मुतनाज़ा सीन या मुतनाज़ा डायलॉग होते हैं उन्हें आप कहते हैं कि इन्हें निकाल दिया जाए, तो म्यूजिक श्यूजिक फिर जायज हो जाएगा, हलाल हो जाएगा? देखना ये है कि किस चीज के हवाले से पूछा गया है, जो सवाल किया जाता है आपके आपके पास से पूरी फिल्म आ रही है सर, वो तो फिर एक अलग सवाल पैदा हो जाता है ना कि इस्लाम के अंदर वो उसके मौसीकी के है कि नहीं, तो अगर ये सवाल आएगा तो उसके बारे में देख लिया जाएगा। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह अल अजीज नजरियाती कौंसिल जो है पूरी गहराई और तवस्सो के साथ, वसत जरफी के साथ भी, वसत इल्मी के साथ भी, वसत तहकीकी के साथ भी, सारे अपना जो पहलू है उनको मद्देनजर रखेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सेंसर बोर्ड के अंदर कौन अरकान है, क्या उन अरकान को ये मालूम नहीं के इस्लामी अकदार क्या है, मशरकी रवायात क्या है या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद का अंदेशा है? अगर वो राणा साहब, अगर सेंसर बोर्ड के लोगों को ये मालूम होता तो शायद ये मामला आप तक ना पहुंचता, यकीनन उनकी ला इल्मी है या मामलात के ऊपर ग्रिप नहीं है, इसीलिए ये मामला आपको भेजा गया है। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, इस्लामी नजराती कौंसिल ने सिफारिशात तो पहले भी बहुत सारी की हैं, नैब कवानीन के अंदर तरामीम की गई हैं, तलाक के हवाले से की गई हैं, विरासत के हवाले से बहुत काम किया है आपने और आपकी टीम ने, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस फिल्म के मामले के ऊपर अमल दरामद हो सकता है? आपकी बाकी सिफारिशात जो हैं वो रेड टेपिज्म का शिकार हैं, वो दाखले दफ्तर हैं, उनको भी टेकअप नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए, और हम तो सिफारिशात पेश ही इसलिए करते हैं कि उन पर अमल दरामद हो। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अक्सर जो चीजें आई हैं हमारे पास जो सिफारिशात की सूरत में बाद में पहुंची है वजारत कानून को, वो हुकूमत ही की तरफ से आती हैं या पार्लियामेंट की तरफ से आती है, पार्लियामेंट के दोनों विभागों में से किसी की तरफ से आती है या किसी आला अदालत की तरफ से आती है, फिर उस पर हम सिफारिशात पेश करते हैं। जो हमारा काम है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, जो उनका काम है उनको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राणा शफीक पसरूनी, रुकन इस्लामी नजरियाती कौंसिल हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि ताहाल उनको सिर्फ एक खत मिला है, वो भी दफ्तरी औकात के बाद, कल देखा जाएगा कि इस फिल्म के हवाले से हुकूमत क्या चाहती है, क्या खत लिखा गया है। लेकिन तवज्जो तलब बात यह है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ सिफारिशात कर रही है लेकिन उन सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन आज एक मरतबा फिर एक फिल्म के हवाले से सिफारिश की गई है। इस्लामी नजराती कौंसिल सिफारिश के हवाले से क्या फैसला देती है और क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा, यह तो आने वाला कल बताएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जुर्म की कहानियां कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। आज भी जुर्म की बहुत सी कहानियां और मुजरमों के अंजाम लेकर हाजिर हुए हैं, कुछ बात करेंगे समाजी जराइम की, जी हाँ आटे की बात करेंगे, आटे की किल्लत है, आटा गया कहाँ पर, जब पाकिस्तान के अंदर सफिशेंट क्रॉप हो चुकी थी फिर ये किल्लत क्यों कर पैदा हुई, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम वकला की जमानतों की भी बात करेंगे, इमरान खान के भांजे हसन नियाजी की भी जमानत हो चुकी है, और फिर आज खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी भर्तियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफी ज्यादा बरहम नजर आई, जबकि सीटीओ लाहौर मलक लियाकत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्या कर रही है उनकी टीम, मलक लियाकत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्यों कर वो बदमाशियों से बाज नहीं आ रहे। आगाज करना है प्रोग्राम का और उससे पहले अपने पैनलिस्ट का आपके साथ तारुफ करवाना चाहूंगा। सलमान जहूर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, अपने शोबे से मुतालिक अपनी आरा का इजहार करते रहेंगे। आगाज करते हैं आटे के बहरान से, आटे के बहरान आज अदालत आलिया लाहौर के अंदर भी पहुंच गया, आज बाजगज सुनाई देती रही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी। हमारे रिपोर्टर नईम अख्तर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आटे का बहरान लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कैसे आया, किसने दरख्वास्त दायर की और हाई कोर्ट की जानिब से क्या फैसला किया गया। जी नईम अख्तर,
जी बिल्कुल राय साहब, आटे और गंदम की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज लाहौर हाई कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी फूड पंजाब को जाती हैसियत में आज तलब कर लिया है। अदालत ने रिमार्क में कहा कि ये आटे का बहरान कैसे पैदा हुआ और किसने पैदा किया, अदालत को आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस मामून रशीद ने केस की सुनवाई की। मुकामी वकील ने यह दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया गया था कि हुकूमत ने चार लाख मैट्रिक टन गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। गंदम की एक्सपोर्ट पर भारी रिबेट दिया गया। गंदम 29 रुपए फी किलो के हिसाब से एक्सपोर्ट की गई। एक मैट्रिक टन गंदम की एक्सपोर्ट पर $55 रिबेट दिया गया। अनकरीब चीनी का भी बहरान पैदा होने वाला है। गंदम का बहरान खुद साख्ता है और माफिया को भी खुली छुट्टी दे दी गई है। दरख्वास्त में यह मौकफ अख्तियार किया गया था। जी रह सर, बहुत बहुत शुक्रिया नीम अख्तर आपका। जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके अंदर यह कहा गया है कि माफिया को खुली छुट्टी दी गई है, जखीरा अंदोजी करें, आटा महंगा बेचें कोई पूछने वाला नहीं। जबकि दूसरी जानेब एक रुकन सूबाई असेंबली के घर के बाहर आटे का ढेर लगा दिया गया, पूरे का पूरा ट्रक ऑफलोड कर दिया गया। हमारे साथ उस्मा बुखारी टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक है, बेबाक स्पीकर है, असेंबली के अंदर बात करती हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ कि आटे का पूरा ट्रक उन्होंने मंगवा लिया। खैर मामला क्या था कि उस्मा बुखारी पूरे मोहल्ले के अंदर आटा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी। हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। उस्मा बुखारी साहबा, आज आटे का पूरा ट्रक आपने मंगवा लिया अपने घर, क्या मामला हुआ? जी बहुत शुक्रिया जी, मैंने नहीं मंगाया, ये मेहरबानी है जी। मेरे छोटे भाई हैं तनवीर भट्ट साहब, जिनसे मैं कल ही मिली हूँ एक टीवी प्रोग्राम में, और उनको मेरी बातों का इतना ख्याल है कि जब मैं कल बार बार कह रही थी कि आटा अवेलेबल नहीं है, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे अपनी एग्जांपल देनी पड़ी कि मैं किसी और का नहीं, मैं अपनी जाती बात बता देती हूँ कि 3 दिन से मॉडल टाउन में जहाँ मैं रहती हूँ, मैं आटा ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, आटा नहीं मिल रहा। जी सर, आप गलत कह रही हैं, और 790 रुपए में आटा हर जगह मौजूद है। तो मैंने उसमें बुखारी साहब, लेकिन पंजाब के गरीब आवाम तो पिस रहे हैं, आटा आपके घर भिजवा दिया गया, क्या आप ये नहीं समझती कि वो मुस्तहिक लोग जिनको वाकईतन आटे की जरूरत है और कंट्रोल रेट पर जरूरत है, उनके घरों के अंदर आटा भिजवाया जाना चाहिए, दुकानों के ऊपर पहुंचाया जाना चाहिए? ये हुकूमत पंजाब की नाहली है, या फिर वो आपको टीज करना चाह रहे थे, आप पर तंज करना चाह रहे थे? आज जब मैंने कल हिस्टेरिकली कहा कि जहां मिलता है मुझे भी भिजवा दीजिएगा, वो उन्होंने इतना असर लिया उस बात का कि उन्होंने आज सुबह पूरा ट्रक जो है वो मेरे घर के आगे खड़ा कर दिया, और उन्होंने ट्रक से ये बैग उतार के फुटेज बनानी शुरू कर दी। मेरे कुक ने मुझे आके कहा कि जी वो बाहर ट्रक खड़ा है और वो थैले उतार के फुटेज बना रहे हैं, जो आप तक सारे चैनल तक उन्होंने खुद भेजी। मैं बाहर गई, मैंने उनको पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो डिसाइड कि जी हमने आज सारा दिन आके घर के बाहर ये ट्रक खड़ा करना है। मैं उनके साथ हार्श हुई, मैंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, बदतमीजी आप मत करें, मेरे घर के बाहर ट्रक खड़ा करने का कोई दुख नहीं है, और ये आपने थैले यहाँ क्यों रखे हैं? डिसाइड कि जी वो हमने सिर्फ जो है वो ऑफलोड किए हैं, क्योंकि ये बाकी लोग जो गली के और भी आ गए थे खरीदने के लिए, तो ये वो यहाँ से अपना अपना उठा लेंगे आपके घर के आगे से। और मैंने वो ट्रक बहुत मुश्किल से भिजवाया। मेरी गुजारिश ये है कि मुझे क्या टीज करना है या मेरा वो क्या करना है, कि टीज तो पाकिस्तान की आवाम को कर रहे हैं। आज मुझे कितने मैसेजेस और फोन आए हैं जिस पंजाब के पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से कि जी आपकी इतनी बात अगर वो मानते हैं तो बराए मेहरबानी हमारी गली मोहल्लों में जो है वो ये ट्रक भिजवा दे। मैंने कहा हमारी गली के लोगों ने अगर ले लिया है तो आप बाकी गलियों में जाइए, क्योंकि मैंने पूरे मॉडल टाउन की बात की थी कि मॉडल टाउन में जो है वो आटा नहीं मिल रहा, लेकिन वो सीधे बस मेरी गली में तमाशा किया और उसके बाद वो चले गए। अब ये तौहीन उन्होंने की है पाकिस्तान की, उस गरीब लोगों की जिनको इस रेट के ऊपर आटा नहीं मिल रहा। और जो देखिए, रोटी अमीर ने भी खानी होती है, गरीब ने भी खानी होती है। चलिए अमीर गोश्त के साथ खा लेता है, गरीब जो है वो अचार के साथ खाएगा या प्याज के साथ खाएगा, जिसके साथ खाएगा, रोटी तो सबने खानी है। जब इनसे इनकी कारकर्दगी की बात करो तो वो चोर डाकू, एक वो आपको पता है वो नैरेटिव है इनका, कभी ये बूट लेके पहुंच जाते हैं, कभी ये थैलों का मजाक उड़ाते हैं, इनको शर्म नहीं आई आज कि ये रिस्क की और उस आटे की, उस गंदम की तौहीन कर रहे हैं जिससे इंसान अपना पेट भरता है। सो मैं ये, मुझे फर्क नहीं पड़ता जी, मुझे मेरी तौहीन जी क्या करेंगे, पाकिस्तान की उस अवाम की तौहीन कर रहे हैं जिनको रोटी नहीं मिल रही और आटा मिल ही नहीं रहा, और जिसके ऊपर वो मानने के लिए तैयार नहीं है भाई कि आटा जो है कोई बहरान है, उनके मुताबिक कोई बहरान नहीं है, और जब वो मानने के लिए तैयार ना हो तो फिर उनकी सलाह तो की जा ही नहीं सकती ना।
उसमें बुखारी साहब आप कह रही हैं कि मजाक किया गया है आपके साथ, आप ही समझती हैं कि आपका इस्तेहकाक मजरूह हुआ है और इस हवाले से इस्तेहकाक की तहरीक भी ऐवान के अंदर आनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मेरे इस्तेहकाक की बात नहीं है, मुझे उस पाकिस्तानी अवाम की, मैं आज उनके सामने शर्मिंदा हो रही हूँ, हालांकि मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैं शर्मिंदा हो रही हूँ कि मेरे घर के बाहर ट्रक आ गया लेकिन गरीबों की बस्ती में ट्रक नहीं गया। और मुझे ये समझ नहीं आता जो ये कह रहे हैं कि जी बहरान नहीं है तो फिर ये ट्रक क्यों लिए फिर रहे हैं। मुझे इस मिलियन डॉलर क्वेश्चन का कोई जवाब दे दे कि जब बहरान तो है ही नहीं तो फिर ट्रकों में क्यों लेके फिर रहे हैं आटा, फिर वो हर गली मोहल्ले में हर छोटी बड़ी दुकान पे अवेलेबल होना चाहिए ना आटा, लेकिन वो नहीं है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इनको लगता है कि मैं चुप हो जाऊंगी, मैं नहीं पूछूंगी साटे माफिया के पीछे कौन है, तो इनकी गलतफहमी है। मैं पूछूंगी कि साटे माफिया के पीछे कौन है, मेरी बातें बहुत मानते हैं ना, तो मुझे ये भी बता दें कि इस हमारा जो पंजाब का गंदम थी वो बलोचिस्तान में मुर्गियों की फीड के लिए क्यों भिजवाई गई, मैं ये पूछूंगी। मुझे यकीनन इसका जवाब भी ये देंगे, मुझे यकीनन ये इसका भी जवाब देंगे कि जो गंदम जो है यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई बहुत औने पौने दामों पे और अब इसको डबल कीमत पे खरीदना चाहते हैं जब खुद लोकल गंदम आने वाली है। तो ये सवालात तो मैं पूछूंगी, इनको अच्छा लगे या ना लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें बुखारी साहब आप समझती हैं कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या फिर हुकूमत पंजाब वाकियातन कोई इकदाम भी कर रही है, या जैसे आपने कहा कि सिर्फ ट्रक सड़कों के ऊपर घुमाए जा रहे हैं, इशू असल में है क्या? क्या हुकूमत पंजाब वाकियातन इस मामले को सॉल्व करना चाह रही है या फिर पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जा रही है? ये सियासी जोकर्स हैं और जो इनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही कर रहे हैं, काम तो ना इनसे होते हैं ना हो सकते हैं, इसलिए इनसे तो किसी भलाई की तवक्को तो मैं नहीं रखती बिल्कुल किसी सूरत में भी। अगर इन्होंने डिलीवर करना होता तो 18 महीने बहुत ज्यादा होते हैं डिलीवर करने के लिए, एक से एक बढ़ के बहरान। अभी आटे को हम रो रहे हैं, चीनी का बहरान सिर पे खड़ा है। अब ये कौन है इस आटा चीनी माफिया में, कौन कौन हमारे मुल्क का आटा चीनी खा रहा है, उसमें से पैसे कमा रहा है, ये सवाल तो मैं पूछूंगी, इनको अच्छे लगे या ना लगे फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाकदीन ये भी कहते हैं कि हर साल नवंबर दिसंबर में ये मामलात होते हैं, आटा शॉर्ट हो जाता है, और आपके सबका दौरे हुकूमत के अंदर भी तो ये हुआ था। नहीं, लेकिन ये ऐसे हुआ था जो अब हो रहा है, ये मेरा सवाल ये है कि क्या इस लेवल पर कभी आटा खत्म हुआ इस मुल्क में? फिर जब आपने खुद आटा मुल्क से बाहर भेज दिया पाबंदी के बावजूद 48,000 मेट्रिक टन, मुझे छोड़िए इनके कल वफाकी वजीर ने भी कहा एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के, क्योंकि मैंने भी पूछा था कैबिनेट के अंदर बैठ के जी जब पाबंदी थी तो आपने क्यों जो है वो आटा बाहर भिजवाया, तो उसका जवाब इनके पास जाहिर है नहीं है। इसके जवाब हमें लेने हैं इनसे, ऐसे नहीं हो सकता हर बात पे इनको जो है वो खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती, ये मुल्क है हमारा। और ये कोई फिर ये है कि इन्होंने आज ये ट्रक भेज के और ये सियासी स्टंट करने की जो कोशिश की है, अवाम के पैसे पे आखिर पेट्रोल लगा होगा ना, ये सियासी स्टंट करने के लिए या अपनी सियासी पब्लिसिटी के लिए, तो इनको ये अख्तियार किसने दिया है कि अवाम का फंड इस्तेमाल करें, ये पेट्रोल इस्तेमाल करें, ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करें अपनी जो है वो सियासी स्टंट के लिए? सॉरी, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और इसका जवाब मैं। उसमें बुखारी साहब आखिरी सवाल आपसे करना ये चाहूंगा कि पंजाब के आवाम को इस बहरान से कब तक निजात मिल सकती है? क्या हम गंदम के पाकिस्तान की जो फसल है उसके कल्टीवेट होने का इंतजार करें या फिर इंतजार इस बात का करें कि इंपोर्ट कब होगी गंदम? देखिए दो दो प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले सवाल के जवाब में भी शायद स्किप हो गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो आटे का ना मिलना वो एक अलहदा प्रॉब्लम है, एक आटे का ज्यादा कीमत में मिलना वो उससे बड़ा प्रॉब्लम है जो मेरा मेन कंसर्न है। और पहले ये हमने शिकायत जब शुरू की तब आटा जो है वो ज्यादा प्राइस से मिलना शुरू हुआ और उसके बाद फिर बिल्कुल ही उसकी होल्डिंग हो गई या जो भी हो गया, इसका देखिए इसका जवाब इनको देना है, ये हुकूमत है, इनको बहुत शौक था ना हुकूमत में आने का, तो इसके जवाब इनको देना है कि कीमत कैसे बढ़ी, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जब कीमत बढ़ी तो उसके बाद अगर होल्डिंग हुई है तो क्यों हुई है, और आप उस होल्डिंग के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं अमली तौर के ऊपर, बातें इनसे जितनी मर्जी करा लें। दूसरी बात ये है कि फ्लोर मिल मालिकान जो है वो भी तो इल्जाम लगा रहे हैं ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने एक वफाकी सूबाई वजीर का जिक्र किया है कि जी किसी का मैदे का कारोबार था, किसी का पता नहीं क्या था और वो इसमें शामिल है, तो उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये क्या कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। और इन बातों पे सिर्फ इनकी शक्लें देखकर ये तकरीर अच्छी करते हैं, वो उससे तो लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता ना जी।